हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी मिली। इसके अलावा सबोर्डिनेट बोर्ड को निरस्त करने के बाद प्रदेश में लंबित पड़ी चयन परीक्षाओं को प्रदेश लोक सेवा आयोग से करवाने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सुक्खू सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने अमली जामा पहनाकर इस योजना के तहत पात्र गरीब छात्रों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से इंजीनियरिंग मेडिकल प्रबंधन पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम फार्मेसी नर्सिंग आईटीआई और पॉलिटेक्निकल पाठ्यक्रम और पीएचडी करने के लिए प्रदेश में 60% से अधिक नंबर लाने वाले विद्यार्थी 1% की ब्याज पर 20 लाख रुपए तक की शिक्षा ग्रहण ले पाएंगे। जिला कांगड़ा में उसका दर्जा बढ़ा करके पुलिस थाने बनाने के लिए जो आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है, तो इस तरह से ये कुछ इश्यूज थे जो हमने आपके सामने जो है रखे हैं। अलग अलग एरियाज में कोर एरिया में कितनी मंजिल होंगी, ग्रीन एरिया में कितनी होंगी और इन एरिया से बाहर कितनी मंजिलें होंगी उसमें स्पेसिफाई किया है। जैसे मुझे लगता है ग्रीन एरिया में शायद 1 फ्लोर प्लस एटिक है और कोर एरिया में 2 है, इस तरह से स्पेसिफाई। बड़ी लंबी स्टोरी प्रेजेंटेशन थी शिमला डेवलपमेंट एरिया पे, और जो रोड कोर एरिया से ग्रीन एरिया से बाहर है वहाँ शायद 2 मंजिल प्लस पार्किंग के लिए, गैरेज के लिए प्लस एटिक, इस तरह से स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली मुझे पूरी डिटेल्स याद नहीं है मगर इट हैज बीन अप्रूव्ड, वो आपको सामने आ जाएंगे। अरे जीओआईटी वाला, ये जो जीओआईटी वाला मामला है इसमें परीक्षाएं हुई नहीं थी मगर संशय था इसमें कि ये इसके भी पेपर लीक हुए होंगे, इसलिए ये दोबारा परमिशन ये जो है वो दोबारा से ये इसके इंटरव्यू रिटर्न इंटरव्यू पब्लिक सर्विसेज कमरे करेगा और इसमें कोई बच्चों से नई फीस नहीं ली जाएगी, वही फीस और वही फीस को समझा जाएगा और इन टर्म्स ऑफ 1-1.5 साल में, 1 साल में जो एलिजिबल जो इनएलिजिबल हुए होंगे उनको भी दे विल बी कंसिडर्ड फॉर एलिजिबिलिटी। और सर आपने कुछ पोस्ट, 3 कैटेगरीज हैं ये टीचर्स की, 300 एम्प्लॉयज़ की 360 पोस्ट हैं ये 3 कैटेगरीज में, जिसमें से 325 तो जेओआईटी की हैं और 25 ए की हैं, 15 ए की हैं, इनके दोबारा से पब्लिक सर्विस कमीशन दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। सर इंडस्ट्री बोर्ड टू फुलफिल स्टेचुरी रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा प्रोवाइडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट गारंटी फॉर एस्टेब्लिशिंग लेटर इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट ऑल पावर परचेज एग्रीमेंट्स विद SBI इन रिस्पेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एज पर द एडवाइस ऑफ हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹300 करोड़ जो है ये दिया गया है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन के लिए हरी झंडी आज कैबिनेट ने दी है, एक्सपेंशन की, उसके एक्सपेंशन के लिए भी की है। और डिटेल में आपको बताया उसमें जैसा कर रहे थे थोड़ा, इसमें ये भी है कि हम बड़ी जल्दी उसकी एक्विजिशंस प्रोसीडिंग्स जो है करेंगे और जितना पैसा उसके ऊपर खर्च होगा हम करेंगे। और जो कमेटी की रिकमेंडेशंस आई कि जो जो लोग वहाँ से जो है अपरूट होंगे, चाहे वो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जिनकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो अगर ख़त्म होगी तो सरकार उनको रिवाइव करेगी और उनको ठीक ढंग से रिहैबिलिटेट करेगी, जिनका जो कोई ज़मीन उनके पास नहीं होगी उनके लिए जो है वो जगह भी दी जाएगी और वहाँ पर उनको बसाया जाएगा। और ये प्रक्रिया जो है वो बड़ी जल्दी हम पूरा करने जा रहे हैं और उसके लिए सरकार जो है वो एक मुश्त पैसा जो है उस एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए सरकार उसका पैसा देगी। जो ज़मीन की एक्विजिशन होगी वो हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी और वो पैसा जो उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा JOIT की हैं कुछ, इसमें 325 JOIT की हैं, इन सब बच्चों को जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन दोबारा से इसके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेगा क्योंकि इनमें सिर्फ एडवर्टीजमेंट हुई थी, एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुए थे और कई उसमें अनियमितताएँ पाई गई थी, मगर इसमें दोबारा से इस कैबिनेट ने फैसला किया है कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, लगभग कोई 1,49,000 के करीब बच्चे हैं
149,860 बच्चे हैं जिन्होंने उस वक्त अप्लाई किया था, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। और जो ओवर एज भी बच्चे होंगे उनको भी इसमें कंसीडर किया जाए, जो आज ओवर एज हुए होंगे और एट दैट टाइम ओवर एज नहीं हुए होंगे उन वो भी एलिजिबल होंगे इस पेपर को देने के लिए, इसके लिए होंगे। इसके जोगिंदर नगर में वर्कशॉप के लिए प्लॉट किया 15 बीघे और धर्मशाला में जो है वो भी लैंड अलॉट की है बस स्टैंड के लिए। इसके अलावा जो है रिक्रूटमेंट, ये रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स में अमेंडमेंट किए ग्रेड वन के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज में। इसके अलावा जो है जो फोर लेन एरियाज, फोर लेन को जो हमारे 4 फोर लेन है जिसमें परवानू शिमला है, कीरतपुर मनाली है और कांगड़ा शिमला है और जोगिंदर नगर पठानकोट मंडी है, इन चारों के चारों एरियाज में जो है वो फोर लेन प्लानिंग एरियाज प्रपोज़ किया गया। फोर लेन प्लानिंग एरियाज जिसमें कि जो रोड के एंड उससे 100 मीटर्स ऑन बोथ साइड जो एरिया होंगे वो उनकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो रेगुलराइज जो है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग के रेगुलराइज जो होगी, ताकि इसमें हैपेजर्ड जो है कंस्ट्रक्शन ना हो। इसके अलावा जो है हमीरपुर के टोनी देवी में डिग्री कॉलेज को खोलने की जो है वो आज कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। और इसके अलावा कैबिनेट ने जो है वो आईटी डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस जो है उसको नाम किया है, और उसमें जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो भी आज जो है वो फॉर्मुलेट किए गए हैं। इसके अलावा जो ये वाइल्ड फ्लावर हॉल वाली प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूट चला हुआ था ये इनके जो अवराय ग्रुप के साथ, इसमें भी जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्बिट्रेट अवार्ड 23 जुलाई 2005 रेंडर्ड बाय द आर्बिट्रेटर, उसमें भी जो है वो 18% एक्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के आधार पे जो है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये होटल्स वाले इनको दिया है कि भाई हमारे को जो है वो जो हमारा पैसा स्टेट का बनता है उसको जो है उसको किया जाए। इसके अलावा जो है कैबिनेट में जो है लिए गए हैं, मंत्रिमंडल ने फैसले लिए हैं जिसमें से कि सबसे अहम जो है वो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी उसको अमली जामा पहनाया गया है। और ये जो स्कीम है वो हिमाचल प्रदेश में जो गरीब बच्चे हैं और वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उनके पास आय के साधन नहीं है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनकी जो प्रोफेशनल डिग्री पूरी हो उसके लिए ये स्कीम लागू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023। इसमें आज रूल्स की फॉर्मेशन की गई है जिसमें कि जो बच्चा जिसके 60% से ज़्यादा मार्क होंगे वो एलिजिबल होगा, और इसमें जो लोन की राशि होगी वो 20 लाख रुपए तक लोन जो है वो मिलेगा, और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ केवल 1% होगा। और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि विद इन 24 आवर्स जब भी किसी बच्चे की एडमिशन, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, चाहे MBBS में है, चाहे IIT में है, चाहे पॉलीटेक्निक में है, चाहे IIT में है, और चाहे किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में होगी, फार्मेसी में है या किसी भी कोर्स में होगी, प्रोफेशनल कोर्स में होगी, जब वो अप्लाई करेगा विद इन 24 आवर्स जो है वो डिप्टी कमिश्नर को उसकी फीस कॉलेज में जो है वो जमा करानी पड़ेगी। और इसके लिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि 50 लाख रुपए का कॉर्पस फंड जो है हर जिलाधीश के पास उपलब्ध होगा, ताकि जब वो बच्चा अप्लाई करेगा विद इन 24 आवर्स जो है वो जो है उसके अकाउंट में जो कॉलेज होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र फंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आज जो शिमला के लिए जो शिमला डेवलपमेंट प्लान है उसको जो है फाइनलाइज़ किया गया, कैबिनेट ने उसको फाइनलाइज़ किया है जिसमें बहुत सारी मॉडलिटीज़ उसमें क्या 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 कितने फ्लोर किस एरिए में होंगे, एक्टिक है और गैरेजेस का प्रोविज़न है, अलग अलग एरियाज़ में कोर है, ग्रीन एरिया है और दूसरे एरियाज़ है, उसमें अलग अलग विस्तृत रूप से कैबिनेट में प्रेजेंटेशन जो है TCP डिपार्टमेंट ने रिगार्डिंग शिमला प्लानिंग एरिया दिया है और जिस पर कि कैबिनेट ने अपनी जो है मोर लगाई है। इसके अलावा लंबे अरसे से
हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड के इंटरव्यूज लटके हुए थे उन पे भी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जिसमें कि कोड 965 और कोड 1003 और कोड 103